नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 114 वैकेंसीज़ आई हुई हैं दोस्तों दोस्तों ये वैकेंसी ग्रुप बी एंड सी के लिए आई हुई हैं चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं तो इसमें पहली पोस्ट है सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक की जिसके लिए 19 वैकेंसी है दूसरी है सीनियर रेडियो मैकेनिक की जिसके लिए पाँच है नेक्स्ट है जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक की जिसके लिए सत्रह हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए सत्रह वैकेंसी है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिक के लिए एक वैकेंसी है सीनियर फ्लाइट गर्नर के लिए पाँच वैकेंसी है जूनियर फ्लाइट गर्नर के लिए आठ वैकेंसी है सीनियर फ्लाइट इंजीनियर के लिए दो वैकेंसी है जूनियर फ्लाइट इंजीनियर के लिए सात वैकेंसी है इंस्पेक्टर एंड स्टोर मैन के लिए दो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर के लिए पांच वैकेंसी एच के लिए एक एंड कॉन्स्ट के लिए पच्चीस वैकेंसी है टोटल एक सौ चौदह वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों दोस्तों बात करें इसमें क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की तो इसमें टेंथ पास डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अब बात करें नेशनलिटी की तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड इसकी में सिलेक्शन प्रोसेस हर, राइट एंड एग्जाम पी ई टी एंड पी एस टी एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों ये जॉब ऑल इंडिया के लिए दी गई है एंड बात करें इम्पोर्टेंट डेट की तो इसमें आप 12 दिसंबर 2020 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें सैलरी की कि इसमें कैंडिडेट्स को कितनी सैलरी दी जा रही है तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिकल के लिए सैलरी यहाँ पे पै, मिनिमम पैंतीस हज़ार चार सौ से एक लाख बारह हज़ार चार सौ की दिखाई गई है दोस्तों ऐसे ही सभी पोस्ट के लिए सैलरी निर्धारित की गई है जिसको आप नोटिफिकेशन में जा कर के इसको देख सकते हैं दोस्तों इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसको फिल करने में इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों आप इस फॉर्म को ऑफलाइन फिल करके इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं चलिए दोस्तों हम आपको इसके फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि इसका फॉर्म कैसे दिखा जाएगा और आपको इसमें क्या क्या भरना होगा तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी होगी उसके बाद ही आप इसको इस फॉर्म को उस एड्रेस पे कुरियर कर देंगे तो ये वहाँ तक पहुँच जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग